प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सीखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। देखो, इस आईटी और नीट में क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखो, कोई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको डिनोट करते हैं बेटा के से। ये लिखा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस, बोलो बात एक ही है, म्यूचुअल इंडक्शन एम बिटवीन बिटवीन टू क्वाइल्स एंड एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंसेस ऑफ टू क्वाइल्स। देखो बेटा क्या कहा इसने, कहा इट इज द रेशियो ऑफ वर्चुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्वाइल्स एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स। कहने की मीनिंग ये है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन और बाय क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन, बातें की है, इंडक्टेंस लिखो, इंडक्टेंस या रूट अंडर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो बेटा ये क्या कहा इसने, सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोडक्ट होता है तो के इज इक्वल टू एम अपॉन रूट अंडर एल वन एल टू। टू कॉइल का अगर सेल्फ इंडक्शन एल वन एल टू है तो उसका प्रोडक्ट होगा एम इज इक्वल टू हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस और एल वन एंड एल टू, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन ऑफ टू कॉइल। सेल्फ 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 लिखोगे, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंसेस ऑफ टू कॉइल्स, ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखो एक चीज, एक फॉर्मूला आएगा, अगर एम की बात करेगा, एम की बात मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो एम इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हुआ बेटा। और के का वैल्यू अगर यूनिटी बोलेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नाम से निकाल सकते हो, एम इजिकल टू एंड लिखोगे एम इजिकल टू के रूट अंडर एल वन एल टू। अगर के वैल्यू यूनिटी है, इफ के इजिकल टू यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, के इजिकल टू वन रखेगा तो एम का वैल्यू हो जाएगा, ये फॉर्मूला देख, रूट अंडर एल वन एल टू, ये फॉर्मूला आईटी में पूछा हुआ है। क्लियर है? चलो सीख लिया इसको। ओके बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रहेगा, कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और इस आगे की बातों को समझेंगे। चलो समझ गया, ओके बाय, टेक केयर।